सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही नया और बहुत ही एक्साइटिंग सर्वाइवल हैक। और वो हैक है कि हम बिना मैच स्टिक के आग कैसे लगा सकते हैं। आप इमेजिन करो कि आप एक जंगल में गुम हो गए हो और वहाँ पर आपको आग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अभी आप सवाल में पढ़ रहे होंगे कि हम बिना मैच स्टिक के या फिर बिना लाइटर के आग कैसे लगाए। तो आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूँ कि हम बिना मैचेस के आग कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो देखते रहिए ये वीडियो हमारे साथ आगे। हे गाइस, आई एम क्रुटेश जठार, क्रुटेश साइंस बड़ी। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम बिना मैचेस के आग कैसे लगा सकते हैं। तो ये काम करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और वो दो चीज़ है, एक है पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा है ग्लिसरीन। तो जब भी हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को ग्लिसरीन के साथ मिक्स करते तो वहाँ पर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत इजीली मिल जाएंगी। पोटेशियम परमैंगनेट आपको 30 रुपये में मिल जाएगा और ग्लिसरीन आपको 12 से 13 रुपये में मिल जाएगा। तो हम लोग अभी देखते हैं आगे कि हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ग्लिसरीन इस बॉल में क्यों निकाल रखा है। जो ग्लिसरीन की बॉटल थी उसके साथ मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। मुझे वो बॉटल चाहिए थी और वो बॉटल की फुल वाट लग गई, इसलिए मैंने इसमें निकाल लिया है ग्लिसरीन को। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग वो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। प्रोपोर्शन ध्यान में रखना, ये देखना मैंने कैसा होल किया, इसके बीच में छोटा सा ऐसा होल किया है। अब इसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन, देखिए, ठीक है, इतना हमने ग्लिसरीन इसमें डाल दिया। इस बार थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ कर लेते, ठीक है। अब इसके बीच में हम लोग डालेंगे ग्लिसरीन। चलिए अभी ग्लिसरीन डालते, ठीक है। अभी रिएक्शन होने की इंतज़ार करते। रिएक्शन चालू हो चुकी है। ओह माय गॉड, तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये ऐसी होती है रिएक्शन। जो इस साइड का जो है, यानी कि लेफ्ट साइड का जो है वो फेल हो चुका था, और जो राइट साइड का है वो एकदम बिल्कुल सही तरीके से काम कर गया था। तो आप देख सकते हैं इसके पीछे ये क्या रिमेनिंग बच गया है। मैं इसको थोड़ा हिला देता हूँ। ठीक है। सो दोस्तों, मज़ा आया कि नहीं? ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से कम्प्लीट हो गई। मानता हूँ कि पहली बार फेल हो गई, पर सेकेंड टाइम ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से कम्प्लीट हो गई। और अगर आप ये घर पे अपने ट्राई कर रहे हो तो मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस दे दूँ। अगर आप ये ट्राई कर रहे हो तो आप अपने हाथ में ग्लव्स पहन लेना, क्योंकि वो पोटेशियम परमैंगनेट के दाग आपके हाथ पे रह जाएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर जैसा ये दाग है ना, वैसा दाग आपके हाथ पर रह जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप ग्लव्स पहन लेना, और वो जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना वो बिल्कुल भी निगलना नहीं है, यानी कि गलती से भी आपके मुँह में वो जाना नहीं चाहिए। और
अगर आप ये ट्राई कर रहे हो तो आप ये आउटडोर्स में ही ट्राई करना, क्योंकि घर में पूरा धुआं धुआं हो जाएगा और वो धुआं बिल्कुल भी सही नहीं होता, इसलिए आप बाहर ही ट्राई करना अगर ट्राई कर रहे हो तो। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बोनस टिप, और वो टिप ये है कि अगर आप किसी ऐसे रूम में फंस गए हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइजनियस गैस है, या फिर कोई ऐसे रूम में जहाँ पर पॉइजनियस धुआं वगैरह है, तो आप एक काम करना, आप अपना रुमाल निकाल लेना, उसको पानी में भिगो लेना और उसी रुमाल को अपने मुंह के आसपास बांध देना। उससे क्या होगा कि आपका नोज़ का और उस गैस का कांटेक्ट टूट जाएगा और आप अपनी जान बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस में आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again.